वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं और राज जा रहे हैं धनतेरस के लिए कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि आज धनतेरस है तो शॉपिंग तो बनता ही है। और उसी के साथ मैंने ये वाली साड़ी मंगाई थी मीशो से, तो इसका भी काम करवाने के लिए दे दूँगी रश्मि को। और वहाँ से मेरे दिवाली वाले कपड़े नहीं, मेरे तो आ गए हैं, एंजू के कपड़े मैंने बनने के लिए दिए थे वो भी आज मिलने हैं, तो वो सारा काम करना है। तो यार आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि राज भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड मुझे भी बहुत सारा काम है। तो चलते हैं फटाफट चौक और आज देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं एंड वहाँ की मार्केट कैसी है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ घर एंड आज चौक में इतनी भीड़ थी, ओ माय गॉड। मतलब हम लोग सुबह गए थे 11 बजे इस वजह से ताकि भीड़ बिल्कुल भी ना रहे और हम फटाफट काम कर लें, बट यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम बस आज जो शगुन वाली शॉपिंग होती है ना, जो बोलते हैं कि धनतेरस पे करनी ज़रूरी होती है, वो हमने की है, बाकी नहीं की, क्योंकि राज के पास भी टाइम नहीं था और हमारा आधे से ज़्यादा टाइम ना ट्रैफिक में चला गया। ऊपर से जिस भी शॉप पे जाओ उस शॉप पे इतनी भीड़, तो अभी हमने वो चीज़ें ले ली हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड टाइम मिला तो शायद मैं कल फिर जाऊँगी अर्ली मॉर्निंग क्या, 10 बजे के बाद तो मार्केट ही खुलती है, तो मैं जाऊँगी। तो मैंने क्या क्या लिया है एक बार दिखा देती हूँ। तो ये भगवान जी की चौकी में बिछाने के लिए ये आसन दिया है उनका, ये वेलवेट का है और ये बॉर्डर जो है ये इस पर स्वास्तिक बना हुआ है। और उसके बाद ये माला ली है, क्योंकि मेरे यहाँ आप लोगों ने देखा है बड़ी मूर्तियाँ हैं तो इसलिए मैंने ना माला ली है। तो ये सब तो मैं जब दिवाली पे लगाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये है मेरे कान्हा जी का क्लॉथ, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी तो सबका ऐसा वाला है, जैसे ये है ना, ये गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए, तो ऐसे वाले मैंने सब लिए, बस कलर चेंज है, बट ये वाला थोड़ा सा डिज़ाइन भी चेंज है। और मैंने छोटी माला भी ली है सबको पहनाने के लिए, तो इस बार ना मैंने एक जैसी ली है, मैंने डिफरेंट नहीं ली है, तो ये वाली है, ये सारी एक जैसी, पूरी एक दर्जन मैंने इकट्ठे ही ले ली है। और एक और चीज़ मैंने ली जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ये छोटी सी कटोरी मैंने ली है, ये पीतल की है और मैंने बस ले लिया था, बट अभी मैं सोच रही हूँ ना कि जैसे मैं धूप बत्ती जलाती हूँ तो इसमें रख कर जलाऊँगी, या साथ में मैंने सोफ़े का कवर लिया है और कुशन कवर लिया है, बट वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना मैं बना के गई थी, आलू कद्दू की सब्जी एंड पराठा, तो बस मैं वही जा रही हूँ खाने। अरे वो लोग कलर अच्छा लग रहा है, मस्त लाइटिंग लाइटिंग देखो बच्चों, लाइटिंग पीछे वाली कितनी मस्त। हाँ यार प्रयागराज जगमगाने लगा, जैसे डेली 399 499 ऐसे उनका कट रहा है, तो वही आज बोल रहे थे पता नहीं कैसे हो गया। बैंक वाले से पूछे तो बैंक वाला बोला कि कोई आपका कार्ड यूज करता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शाम को आ गए हैं शिल्प मेला जो NCZCC में लगा हुआ है एंड ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, बट मैं आज आई हूँ क्योंकि इधर भी चिराज बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो यहाँ जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे पान बहुत सारे फ्लेवर के मिलते हैं और ये वाली स्टॉल मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये गणेश लक्ष्मी है ये सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे मुझे, बट इनका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था, आई थिंक 2500 के आसपास था, तो वो मुझे थोड़ा बहुत मतलब कॉस्टली लगा इसलिए मैंने लिया नहीं, बट थे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सारे मार्बल का जो चूरा होता है ना, मार्बल पाउडर से बना हुआ था। ये वाला देखो, इसमें एक आई ब्लू एक ये है, कौन सा वाला? मेरा चश्मा तो ये देखो, यहाँ पे ये वाले गॉगल्स मुझे पहली बार दिखे, इसमें एक रेड है एंड एक ब्राउन है, कैसा लग रहा है? कैरी मिनाटी वाला चश्मा ये तो है। कौन सा? मेरा वाला। अभी यार मेरा बताओ, तुम तो अपने ही पीछे पड़ जाते हो, लंबा है ना। एंजल की तो साड़ी बन जाएगी।
और यहाँ पे ना बहुत सारी ये लहरिया प्रिंट वाली साड़ी मिल रही थी एंड इसमें बहुत सारे कलर थे, बट एक्चुअली मेरे को ना वाइट बेस पे जो है ब्लू की लाइनिंग चाहिए थी, वो नहीं थी यहाँ पे। ब्लू पे वाइट था बट मुझे ना वाइट पे ब्लू चाहिए था, तो वो नहीं था, नहीं तो मैं ले लेती यार। मेरे को बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा उसको, इंस्टाग्राम पे जब से मैंने देखा ना तब से मेरा मन कर रहा उसको लेने का। एंड यहाँ पे देखो वुड वाले ना क्यूब मिल रहे हैं, और ये वाली शॉप बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना लकड़ी के होते हैं टॉयज़। एंड जब अनसेंजल छोटे थे तो मैं यहाँ से बहुत सारे टॉयज़ ले जाती थी। तो अभी यहाँ पे ना ऐसे तोरण भी मिल रहे हैं, और मुझे ये वाली तोरण बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट इसका रेट ना भैया बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो मैं बार बार बार्गनिंग कर रही हूँ मैं लॉट, और वो मुझे ना दूसरी दिखा रहे हैं, मैम ये वाली ले लीजिए ये और कम में है, ऐसा है वैसा है, बट मेरे दिमाग में ना वही टिकल कर रहा है, मुझे लेना है तो वही लेना है, तो देखते हैं मिलती है कि नहीं। और यहाँ पर स्कर्ट की भी बहुत सारी वैरायटी है, हर साइज़ की थी, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, एंड बच्चों की भी है, बड़ों की भी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ विजिट करिएगा। रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है, बट आपको यहाँ पे ना अपना जो है बार्गनिंग स्किल यूज़ करना रहता है। और यहाँ अंश को पसंद आ रही है कीरिंग, वो कीरिंग ले रहा है। मशीन में क्या करना है, मैं अपने फल को केवल ऐसे हाफ कट करना है और आपको प्रेस करना है, जो भी जूस रहेगा सर एक बार में जूस निकालेंगे मशीन, और जो बीजा रहेगा सर इसमें बीजा आपका पिसाएगा। इतने समय में आप लोग आधे अनार के दाने निकालोगे, हाथ लाल करोगे सर, कपड़े लाल करोगे, तो आप डाल दीजिए, तो आप उतने ही समय में सर इस मशीन में आप 5 kg अनार का जूस रेडी कर दोगे। वर्ल्ड का पहला ही ऐसा जूस बना सर जिसमें आप बिना दाना निकाले अनार का जूस रेडी कर दोगे, और बीजा पिसाएगा सर पूरा जूस एक बार में रेडी करेंगे मशीन। पाइन एप्पल जूस रेडी करते हो तो आपको इसका छिलका पूरा हटाना पड़ता है सर, लौकी कद्दू पाइन एप्पल के लिए आपको केवल स्लाइस टुकड़ा करके रखना है सर, आपको प्रेस कर देना सर, जो भी रहेगा सर जूस वो एक बार में जूस निकालेंगे मशीन। घर पे सर आप कल की फ्रेश आप जूस रेडी कीजिए सर, पूरी क्वांटिटी में जूस निकालेंगे सर मशीन, एक बार में सुखा देगा सर जो भी का कड़वा नहीं होगा, पल्पी जूस निकालेंगे मशीन। अभी डॉक्टर बोलते हैं ना सर कि पल्पी जूस पियो इसमें फाइबर हो, वो चीज़ आपकी जूस लाएंगे सर, टेस्ट करके देखिए, ना पानी डाला मैम ना शक्कर डाला है, जो फल का जो नेचुरल टेस्ट होता है वो ही सर आपका नेचुरल टेस्ट आएगा सर। ये सर देखिए कड़वा नहीं लगेगा, पूरा जो फाइबर रहेगा ना मैम पूरा फाइबर जूस में आएगा। अच्छा है, कैसे हैं भैया ये? 100 रुपए। बच्चे पार्टी को मिल गया है सोफा, ये वाला वैसे हमारे यहाँ है बट ये थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है, हमारे यहाँ वाला थोड़ा पतला है, ऐसे बड़ा सा हो जाएगा पूरा फुल साइज का, और ऐसे करके ऐसे सोफ़ा बन जाएगा। तो ये देखो ये वाला एरिया है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से चाहिए रहते बहुत सारे कप, और देखते हैं वाओ यहाँ पे देखो पॉट कितने अच्छे अच्छे हैं, और ये लाइट टी लाइट है, टी लाइट वाला देखें क्या रहा। कैसे हैं भैया ये छोटे वाले? दिवाली के लिए ले लेते ग्रीन कलर का, अपने पास एक रखा था ना, लेकिन खराब हो गया। ये टी लाइट कैसी है, ग्रीन वाली? मेरे हिसाब हाँ, और वो बुद्धा वाली? वैसे राज हमारे यहाँ से छोटा सा डाइनिंग टेबल होना चाहिए था ना, 4 सीटर इसकी, ये देखो कितना अच्छा, इसके ऊपर पता इसके ऊपर वो लगेगा ग्लास लगेगा ना राज, इसके ऊपर ग्लास लगेगा ना। और यहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर भी हैं, और इधर ये देखो ये अच्छे लग रहे हैं ना, नहीं इतने छोटे छोटे क्यों हैं? ओ वहाँ पे झूला, बट हमारे यहाँ जगह ही नहीं है झूला लगाने का, रॉकिंग ये देखो ये सही है, फूड सब करने के लिए वो बहुत अच्छा है। ये वाला देखो साइकिल कितनी प्रीटी लग रही है। अभी हम लोग बैठ गए हैं रॉकिंग चेयर पे, ये देखो एंजू यहाँ पे पता है, और ये देखो छोटू छोटू सा डाइनिंग टेबल है कितना अच्छा है, जिनके यहाँ छोटी सी बालकनी हो उनके लिए बहुत अच्छा है। लोन टच, ये पूरा डिनर सेट है ना राज, हाँ। इतना अच्छा लग रहा है यार, हमारे साथ तो है, हमारे पास तो है,
हाँ यार मेरे पास तो है वो देखो बॉट का वो है ये क्या है थी। पूछो कितने का है ये कितने का है भाई शेक पीने के लिए अच्छा है ना 110 और ये वाइट वाला ये तो बहुत हल्का है ऐसा लग रहा है टूट जाएगा ना ये देखो अब हो गई बहुत सारी शॉपिंग और अब की जाए थोड़ी पेट पूजा तो यहाँ पे आ गया है यम्मी यम्मी सा पिज़्ज़ा लेट्स ट्राई दिस और यहाँ पर आ गई है हंस की फेवरेट जलेबी पिज़्ज़ा वो बनाए ये आइटम है पति देव का फेवरेट राज यहाँ आए और कचौड़ी ना खाएं ऐसा हो सकता है नहीं। कैसी है अच्छी है दाल वाली थी लेकिन ठंडी थी तो फिर मैंने प्याज वाली ले ली लेट मी ट्राई तो यहाँ पे रेडी हो रहा है मेरा पनीर टिक्का और ये यहाँ का फूड एरिया है NCZCC का जहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल रखते हैं एंड आज जो है मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था इनके यहाँ का एंड अभी ये जो है पनीर टिक्का भी बहुत ही मीडियम फ्लेम पे ये एकदम बढ़िया से सेक रहे हैं तो बहुत स्मोकी फ्लेवर आ रहा है तो चलो अब इसको करते हैं एंजॉय और ये आ गया हमारा पनीर टिक्का और इसके साथ है ये ग्रीन चटनी वाह ग्रीन है बट लाइट में ब्लैक दिखती है मुझे तो वो लग रही है वो जो जल्दी ना कैसा लग रहा टिक्का अच्छा है ना ऐसा टिक्का अच्छा लगता है स्मोकी फ्लेवर एकदम आ रहा है जो रेस्टोरेंट में मिलता है ना उनमें तो लगता है कोई स्वाद ही नहीं रहता कच्चा कच्चा लगता है एक ही खाएंगे लूट लिया सोचो यार 40 रुपए का है बिग बाजार के सामने कितने का देता 20 रुपए का चश्मे कीरिंग ले लो कीरिंग नए डिजाइन के चश्मे किसको किसको चाहिए देखो मेरे पास कितने अच्छे सामान है तो अभी हम लोग शिल्प मेले से आ गए हैं और यहाँ पे सारा सामान है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ वैसे हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी बट मैंने क्या क्या लिया है वो आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले तो ये दो गॉगल्स दिए गए हैं ये लिया है अंश ने उसको रेड कलर के गॉगल्स पहनने का भूत चढ़ा था तो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना और इस बार पहली बार हुआ कि इंजू ने ब्लू कलर लिया है इसमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ये भी अच्छा लग रहा है शेप दोनों का सेम है बस कलर में डिफरेंस है और ये दो तो प्यारे प्यारे पॉम पॉम वाले कीरिंग ये लिया है एंजू ने और ये है कीरिंग ये पूरा ऐसे कॉम्बो था दोनों ये बड़ी वाली है ये छोटी वाली BGMI गेम आता है उसकी कीरिंग है ये मतलब उसकी गन है ये ठाए 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 बट गन का नाम मुझे नहीं पता एंजू ने मुझे दो बार बताया बट मैं भूल गई ये जो कार्ड है ये देखो कितना प्यारा है ना ये ना डाइनिंग टेबल पर मैं रखूँगी स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए और हमारे ये कार्ड जाएगी इधर से उधर इसमें प्रॉपर व्हील लगे हुए हैं तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इसको लेने के लिए और आज मुझे दिक्कत नहीं था इसको तो मैं लूँगी जरूर आइटम पर चलते हैं जो कि मैंने लिया है ये दिवाली के लिए तोरण मंदिर के लिए ये देखो ये वाली तोरण है और इस पर ऐसे पैरट बने हुए हैं और ये ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वैसे इसमें बहुत सारी डिज़ाइन थी बट इसकी फिनिशिंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ये 250 की मिली ये दो कप हैं तो ये कप हम लोगों ने लिया है शेक और एफ्रेश पीने के लिए और ये आधे लीटर का कप है तो ऐसा कप हमको कांच में चाहिए था बट यार मिल नहीं रहा था छोटे मिल रहे थे तो ये मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो ये लेते हैं 3 स्लीपर ये है एंजू का
और मुझे सबसे प्यारा यही है, देखो है ना। उसकी बात ये है कि टुकटू का छुट्टू छुट्टू सा ये भी काफी अच्छा है, बट मुझे थोड़ा साइज में डाउट हो रहा है, बट राज ने बोला कि ले लो वरना वो हल्ला मचाएगी, अब नहीं आएगा तो उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि इससे बड़ा था नहीं। और ये है अंश का, तो ये वाला जो है अंश ने अपने लिए लिया है, बट उसको ना थोड़ा सा छोटा हो रहा है, बट मैंने उसको बोला नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है क्योंकि ये ना मुझे आ जाए। और देखो ये पहनने पे ना मेरे पैर में एकदम फिट पैक है, देखो। तो बस यार इतनी सारी चीज़ें ले ली और साथ में ये अपने फूड खाया और वहाँ पे आया एयर फ्रेश किया और अभी जाएंगे चेंज करके सोने, क्योंकि अब आ रही है नींद। और ये वाली वीडियो को भी यहीं के करेंगे एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक